वेलकम बेटा टू माई चैनल सो इजी मैथ। माई डियर स्टूडेंट्स, अज आप क्लास 10th की वीकली प्रैक्टिस शीट 10 करांगे। टॉपिक है कोआर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। एक सर्कल चक्कर हूँ ये देखो बेटा, डायग्राम बनी हुई है। ए बी की है चक्कर की जीवा या कोड आ, ए ओ सी की है डायमीटर व्यास, ए सी बी कि 50, ए टी की अपने को टेंजेंट टू द सर्कल, ए टी स्पर्श रेखा है बेटा ए बिंदु उपर, बी ए टी की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। बी ए टी मीनस दिस वन, यह अपने कढ़नी है, ठीक है। हूँ देखो बेटा, सब तो पहला अपन पता है जिहड़ा अद्धे चक्कर जो ट्रैंगल हुंदी आ, सैमी सर्कल च बनी हुंदी आ, उहदा एंगल किन्ने दा हुंदा 90 दा, मीनस ए एंगल तो थोड़ा 90 का आ गया, ठीक है। एक टेंजेंट लाइन का रेडियस नाल एंगल बनता है सारा, वह भी किन्ने दा हुंदा 90 का, ठीक है। तो यह बेटा एंगल अपन 50 गिवन। सब तो पहले अपन आ एंगल फाइंड आउट कर लाँगे, दिस वन, फिर सारा किन्ने दा 90 का, 90 विचों बेटा आ एंगल माइनस करके अपने को बी ए टी निकल जूगा, ठीक है। हुण बेटा आप ट्रैंगल लैने दिस वन, आपां पता त्रिकोण दे तिने कोणा जोड़ किन्ना हुंदा 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रैंगल किन्ना हुंदा बेटा 180, मीनस ओ ए बी जिहड़ा एंगल आ ये किन्ना आ जूगा 180 दे विचों इन्हां दोनों जोड़ नूं माइनस कर देंगे, दोनों एंगल्स दे जोड़ नूं 50 + 90, ये बन जूगा 180 माइनस 140 कि आ गया अपने को 40 डिग्री, ठीक है। हूँ ये सारा कि 90 का, तो अपना आ एंगल कढ़ना है, तो बी ए टी कि जू अपने को 90 के बीचों 40 आप माइनस कर देंगे कि आ जूगा 50 डिग्री, ठीक है जी। देखो कि ऑप्शन आऊगी अपने को, थर्ड ऑप्शन। अगे हैगा अपने कोल 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले चक्कर के व्यास ए बी दे एक सिरे ते ए तो स्पर्श रेखा एक्स ए वाई खिंची गई है, एक्स वाई दे समांतर अते ए तो 8 सेंटीमीटर दूरी ते जीवा सी डी की लंबाई होगी, ठीक है। चलो पर नाल नाल ड्रा करते हैं, नाल बनाने अपन सॉल्व करते हैं। इच है एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, आ सर्कल आ मान लो आ डायमीटर आ, ठीक है। ए सेंटर ओ, वन एंड ए दूसरे एंड बी ले लिया आपने, ठीक है। वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस किन्ना अपने को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टेंजेंट एक्स ए वाई दौरान स्पर्श खिंची आपने एक्स ए वाई, द लेंथ ऑफ कोड सी डी पैरलर टू एक्स वाई एट द एंड ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है। कोई कोड आ, कोड ड्रा करते हैं दिस वन, मान ले कोड आ जिन्होंने सी ते डी का नाम दिता होया, तो ये की है ये पैरल एक्स वाई ते, ठीक है। एट ए डिस्टेंस 8 फ्रॉम ए, मतलब जी आ सारी डिस्टेंस आ ए किन्नी अपने कोल 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये सारी डिस्टेंस किन्नी अपने कोल 8 सेंटीमीटर इज लेंथ ऑफ कोड, मीनस सी डी की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सौखा तरीका बेटा ये आ, पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है। मान लो जो आ पॉइंट है थोड़े को नाम दे लें आप, चलो एम नाम दे लें, ठीक है। चलो आप सॉल्व करते हैं जी बेटा। हम देखो ये जो ओ सी है, ओ सी ये भी सेंटर बन गया, ये भी कि हो जाए थोड़े को 5 सेंटीमीटर, जोड़ा ओ सी है ये थोड़ा किलो कि होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस आ, ठीक है। रेडियस आ सेंटर तो डिस्टेंस आ सी दी, ठीक है। अर्ध व्यास है बेटा। उस तो बाद देखो जोड़ा अपने को ओ एम दिस वन, ओ एम कि होगा, ठीक है। ओ एम किमें कटा सारा, देखो 8 आ नीचे आप ए माइनस कर देंगे 5, यह आ जाऊगा 8 - 5 कि आ गया 3 सेंटीमीटर,
ठीक है। देखो ओ एम भी निकल गया, ओ सी भी निकल गया, आपां सी एम कट लाँगे किमें बाय पाइथागोरस, क्योंकि जेडे सेंटर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन्ने दा कोण होगा 90 दा, क्योंकि सेंटर जेडे आपां लाइन ड्रा करते हैं कोण नूं की करदी है बाइसेक्ट करदी है 90 दे एंगल ते, ठीक है, जिहड़ा डायमीटर हुंदा है क्योंकि दोनों लाइनस पैरेलल ने सी डी। हुणे देखो बेटा हुण आपां पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अपने को सी एम का स्केयर आ जाएगा ओ सी का स्केयर करन दी दो माइनस परपेंडिकुलर लंब ओ एम दी दो, ठीक है, ओ सी कि अपने को 5 का स्केयर, ओ एम कि अपने को 3 का स्केयर, 5 का स्केयर कि बन जूगा 25, 3 का स्केयर 9, तो माइनस करके कि आ गया 16, ठीक है, तो 16 कि स्केयर है बेटा 4 का, मीनस सी एम की वैल्यू थोड़े को जूगी 4, क्योंकि 16 4 का स्केयर है, ठीक है। हूँ जोड़ा सी डी आ सी एम का की होगा डबल, क्योंकि ओ एम है जोड़ा सी डी की करता बाइसैक्ट दो बराबर हिस्सों से बनता, तो बेटा सी डी की वैल्यू कि आजगी 4 × 2 मीनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हम देखो ऑप्शन च की है दिस वन, क्लीयर जी। नैक्सट हैगा फ्रॉम ए पॉइंट पी विच इज सैट एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलो बेटा नाल ड्रा कर लें, इस है अपने को 13 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले, ठीक है, चक्कर के केंद्र ओ तो यदा सेंटर दिता हुआ ओ, 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी तो स्पर्श रेखावां जोड़ा पी क्यू और पी आर खिंचया गया है, ठीक है, ये सेंटर तो मतलब बिंदु पी है, ठीक है, ये तो बेटा 13 सेंटीमीटर, ठीक है, यदा सेंटर भी गिवन अपन रेड सेंटर ओ गिवन आ, रेडियस कि अपने को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन एक है पी क्यू दिस वन, एक है पी आर दिस वन, ठीक है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, ठीक है, ये सारी क्वाड्रिलेटरल का बेटा अपने एरिया जोड़ा वो फाइंड आउट करना है, आ सारी चतुर्भुज का पी क्यू ओ आर वाली, ठीक है जी। हुण बेटा अपन पता है जी रेडियस आ ते बेटा टेंजेंट लाइन आ इन्हों का एंगल किने का होंदा 90, मीनस ये दोनों राइट एंगल ट्रैंगल ने, एक ट्रैंगल धीरे कढ़ लो डबल करके पूरी क्वाड्रिलेटरल निकल जूगा, क्योंकि दोनों ट्रैंगल्स की ने यह कोंकूरेंट सरबंगसम, सरबंगसम क्यों ने, क्योंकि देखो आर है जिहड़ा ते क्यू ये दोनों 90-90 दे हो गए, ठीक है। एक बेटा ओ पी की आ गई ये सांझी कॉमन साइड, तुसी जिहड़ी थ्योरम की होगी 10.2 वो जो शो किया हो तुहाडा, ते च ओ आर कि बराबर आ ओ क्यू दे, तो इस आर एच एस लग गई, ठीक है, आर एच एस राही दोनों ट्रैंगल्स की हो गई कोंकूरेंट सरबंगसम, ठीक है, थोड़ी थ्योरम बेटा है 10.2 दे विच। हुण बेटा आप करांगे एक ट्रैंगल दे एरिया कढ़ लो, आ देखो एरिया ऑफ ट्रैंगल पी ओ क्यू दा, एरिया मीनस खेत्रफल, आप खेत्रफल करते हैं की फार्मूला होंदा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये बन जाओ 1/2 बेस कि देखो यदा 13, ठीक है, परपेंडिकुलर कि अपने को 5 मीनस 65/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक ट्रैंगल का निकल गया। हुण आपां नूं की कर देंगे दुगुना, तो दोवों ट्रैंगल्स का निकल जूगा, मीनस थोड़े को टोटल जोड़े एरिया आ जूगा जिहड़ा खुला होगा दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, 65/2 × 2 ये कैंसल आउट हो जूगा कि आ जूगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कि ऑप्शन आऊगी सैकेंड ऑप्शन,
नैक्सट हैगा बेटा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स धुरे तो बिंदु पी टू थ्री की लंबतम दूरी कढ़नी है। सौखा तरीका दस दें ड्रा करके, मान लो एक्स पॉइंट माइनस एक्स वाई माइनस वाई, वन टू जीरो बन गया है, वन टू थ्री, टू थ्री एक्स टू वाई थ्री मीन्स दिस पॉइंट। ठीक है, हुण देखो जी आ डिस्टेंस आ दिस वन ए हैगी है टू, जी आ डिस्टेंस आ ए हैगी है अपने कोल थ्री। अपने दसना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस करनी है, तो एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस कितनी बन गई बेटा थ्री, मीनस वैल्यू ऑफ वाई। उस तो बाद देखो मूल बिंदु तो बिंदु ए बी की दूरी, ये बुक वाला सवाल ही है, मूल बिंदु ओरिजन मीनस जीरो जीरो। ठीक है, इनू पॉइंट मान लेंगे आप एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो डिस्टेंस फार्मूला सी बेटा अपने कोल एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्यूअर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्यूअर। एक्स टू मीनस ए माइनस बी का स्क्यूअर, सॉरी बेटा ए माइनस जीरो का स्क्यूअर प्लस वाई टू किन्ना बी, वाई वन किन्ना जीरो। ए माइनस जीरो का स्क्यूअर मीनस ए स्क्यूअर प्लस बी स्क्यूअर का की आ जाएगा स्क्यूअर रूट। देखो कि ऑप्शन आऊगी यह थर्ड। अगे है त्रिभुज का परिमाप पता करो जिसके शिखर हैं। ठीक है बेटा, देखो जो ज़्यादा ना जीरोज है ने मीनस एक्सिस से पॉइंट ने, तो ड्रा करके देखो थोड़ा सौखा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। जो एरिया कढ़ना हो, परिमाप कढ़ना हो, सौखा निकल जाएगा। थोड़ा डिस्टेंस फार्मूला लगाने की भी लोड़ नहीं पैनी, नहीं डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, ए बी सी पॉइंट मान के ए बी डिस्टेंस कढ़ लो, बी सी कढ़ लो, ए सी कढ़ लो, तिना जोड़ के तुहाडे कोल की आ जाऊगा पैरीमीटर परिमाप। पर तो मैं ग्राफ ना दसदी हाँ, वो होर भी सौखा निकल जाएगा। एक्स माइनस वाई वाई जीरो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर तक कर लेने। पहला हैगा अपने को पॉइंट ये एक्स हैगा जीरो फोर, एक्स जीरो वाई फोर दिस पॉइंट। ठीक है, जीरो फोर जिन्हों चलो आप ए का नाम दे लें। ठीक है, अगे हैगा जीरो जीरो दिस वन, इनू आप का नाम दे लें। अगे हैगा पॉइंट अपने को थ्री जीरो दिस वन, एक्स थ्री वाई जीरो, इनू आप बी का नाम दे लेने। इन ज्वाइन करो, थोड़ी ट्रैंगल बन गई, ये राइट एंगल ट्रैंगल बन गई। हम देखो ओ ए डिस्टेंस किनी है थोड़ी दिस वन फोर। ठीक है, ओ बी डिस्टेंस किनी है थोड़े को थ्री, तो ए बी तुसी फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, ये थ्री हो गया, तो ए बी किमें कढ़ोगे तुसी, ओ ए दा स्क्यूअर मीनस फोर दा स्क्यूअर प्लस थ्री दा स्क्यूअर। पाइथागोरस थ्योरम लगाती बेटा मैंने, फोर दा स्क्यूअर सिक्सटीन, थ्री दा स्क्यूअर नाइन, किन्ना बन गया अपने कोल ट्वेंटी फाइव। मीनस ए बी, ठीक है, ट्वेंटी फाइव का स्केयर रूट कितना बन जूगा फाइव, ए बी थोड़े को आ गई फाइव। हुण आपां ने की करना सी, इहदा पैरामीटर परिमाप सब नूं ऐड कर दो, फोर प्लस थ्री सैवन, सैवन प्लस फाइव ट्वेल्व। ठीक है, मीनस पैरामीटर कितना आ जूगा फोर प्लस थ्री प्लस फाइव, सैवन प्लस फाइव कितना बन गया ट्वेल्व दिस वन। जां तुसीं डिस्टेंस फार्मूला कढ़ लो, दो बिंदु पी ए क्यू करम वार एक्स के वाई धुरे से स्थित ने, बिंदु पी की भुज बारह आ, क्यू की कोटी फाइव आ, रेखाखंड पी क्यू की लंबाई आपने कढ़नी है। देखो पी हैगा एक्स एक्सिस से, ठीक है, बिंदु पी की आ एक्स एक्सिस से, एक्स एक्स से मीनस एक्स की वैल्यू होगी, तो ही गिवन आप एपसीसा गिवन आ ट्वेल्व, वाई की आ जीरो। जिहड़ा क्यू पॉइंट आ वह हैगा वाई एक्सिस से, वाई धुरे ते मीनस वाई की वैल्यू होएगी, मीनस कोटी अपन गिवन आ एक्स जीरो, वाई किन्ना फाइव। हुण डिस्टेंस फार्मा लगा लो बेटा, पी क्यू फाइंड आउट करो। मैं हुणे तुहानू डिस्टेंस फार्मा दस्सिया सीगा, इह हैगा एक्स वन एक्स टू वाई टू, की फार्मूला हुंदा बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्यूअर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्यूअर।
0 माइनस 12 12 12 का स्क्वायर 144 5 माइनस 0 5 5 का स्क्वायर 25 ऐड करके कितना आ गया 169 ये किदा स्क्वायर है बेटा 13 दा मींस ए स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13 बेस बेटा 13 आ रहे ऑप्शन 13 है नहीं आप एक बार ग्राफ ना भी चेक कर लें 13 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जे आप ग्राफ के नाल करते हैं एक्स वाई माइनस एक्स आप आंसर वेरीफाई कर लें दो ते बिंदु ने पी ते क्यू ठीक है पी का भुज कि अपने को 12 मीनस कित भी मान लो पी पॉइंट 12 0 क्यू की कोटी क्यू पॉइंट है वाई एक्सिस से यह है अपने को 5 ये बेटा देखो राइट एंगल ट्रैंगल ही बनूंगी जो पाइथागोरस थ्योरम ना सॉल्व कर लो जितना मर्जी सॉल्व कर लो पर लेंथ ऑफ द लाइन सैगमेंट जी पी क्यू बनूंगी वो थोड़ी कितनी बननी चाहिए है 13 ठीक है ये ऑप्शन से गलती है बेटा यदा आंसर कितना होगा 13 होना चाहिए अगे हैगा फ्रॉम द फिगर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अपने ए ते बी बिंदु विचकार डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पहले आप ए ते बी बिंदु देखते हैं किन्ने ने ए किन्ना देखो अपने कोल माइनस दे 5 एक्स से एक्स किन्ना माइनस 5 वाई दी वैल्यू किन्नी है अपने कोल 8 माइनस 5 ते 8 बी बिंदु किन्ना देखो अपने कोल 4 बी दे उपर एक्स की वैल्यू किन्नी है 4 वाई दी वैल्यू किन्नी है 6 ठीक है आप दो पॉइंट फाइंड आउट कर ले बेटा ए हैगा अपने कोल माइनस 5 ते 8 बी पॉइंट हैगा अपने कोल 4 ते 6 हुण तुसी इहदे डिस्टेंस फॉर्म लगाओ ठीक है ए बी डिस्टेंस कढ़ांगे ए पॉइंट सीगा अपने कोल माइनस 5 ते 8 इहनूं आपां मान लैणे एक्स वन वाई वन बी पॉइंट सीगा अपने कोल 4 ते 6 ए हैगा अपने कोल एक्स टू वाई टू ठीक है तो ये बन जाए बेटा ए भी अपने कोल एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर 4 माइनस माइनस 5 का स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन 6 माइनस 8 का स्क्वेयर माइनस माइनस की हो जाऊ प्लस 4 प्लस 5 9 9 का स्क्वेयर 6 माइनस 8 2 का स्क्वेयर 9 का स्क्वेयर 81 2 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर बेटा 4 तो कि आ गया रूट 85 देखो कि ऑप्शन दिस वन नैक्सट है बेटा अपने कोल रेखाखंड ए बी की लंबाई 25 इकाई है बिंदु ए है जिहड़ा बी है गिवन ने अपन एक्स का धनात्मक मुल पता करना ठीक है सेम वही डिस्टेंस फॉर्म में लगू बेटा आप लगाने डिस्टेंस गिवन अपने को 25 सेम इदा इनू एक्स वन वाई वन मान लो एक्स टू वाई टू मान लो डिस्टेंस ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर ए बी कि बाद वाले पुट कर देंगे चलो ए बन जाएगा एक्स प्लस 12 का स्क्वेयर 5 माइनस माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 का स्क्वेयर हम बेटे फॉर्म लगावे ए प्लस बी दे स्क्वेयर वाला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी माइनस 7 का स्क्वेयर 49 ठीक है बेटा हुण तुसी इहनूं नोट कर लो हुण जिवें एक्स का स्क्वेयर कितना बन जाऊगा एक्स स्क्वेयर 12 का स्क्वेयर 12 इंटू 12 144 2 ए बी मतलब 24 एक्स आ जाएगा इतने प्लस 49 ठीक है जी जी अपने को ए बी डिस्टेंस आ जाऊगी एक्स स्क्वेयर प्लस 144 प्लस 24 एक्स प्लस 1 प्लस 49
ये बन जू बेटा अपने कोल एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स 144 दे विच तुसी 49 ऐड कर दो किन्ना आ गया अपने कोल 193 इधर ए बी किन्नी सीगी अपने कोल 25 ठीक है हुण आपां की करांगे स्क्वेयरिंग वर्ग करके 25 दा स्क्वेयर किन्ना बन जूगा 625 इधर रूट खत्म हो जाए बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 24 एक्स प्लस 193 ठीक है ए बन जू एक्स स्क्वेयर प्लस 24 एक्स प्लस 193 165 राइट साइड जाके की हो जूगा बेटा माइनस इज इक्वल टू जीरो ठीक है जी इहनू तुसीं हुण नोट कर लो अगे चलते हैं ठीक है बेटा अगे अपनी कोई इक्वेशन बन गई सी इहदी एक्स स्क्वेयर प्लस 24 एक्स माइनस 432 ठीक है क्योंकि 193 दे विचों तुसी 625 माइनस करोगे तो माइनस दे 432 आ जाएंगे ठीक है फैक्टर बना लो प्लस करके प्लस माइनस करके 24 बन जाए मल्टीप्लाई करके माइनस 432 बन जाए तो यह बन जाएंगे एक्स स्क्वेयर ठीक है प्लस 36 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 432 इज इक्वल टू जीरो ठीक है फैक्टर मैथड ये जो एक्स कॉमन निकल जाएगा एक्स प्लस 36 ये जो माइनस 12 कॉमन निकल जाएगा एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो ये दोनों सेम आ गए ए बन गया एक्स प्लस 36 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो ठीक है एक बार एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो आ जाओ बेटा एक बार एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू माइनस 36 ये जो एक्स की वैल्यू 12 उन्हें पॉजिटिव वैल्यू पूछा धनात्मक वैल्यू पूछा तो की आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 12 क्योंकि 36 नैगेटिव वन छड देंगे क्योंकि नैगेटिव वैल्यू पूछी नहीं अपन ठीक है अगली प्लस की पूछी है तो आंसर आ जाओ 12 अगे है अपने कोल डायग्राम बनी हुई है बेटा फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द रेशो ऑफ लेंथ ए बी एंड सी डी ए बी तो सी डी की अपने रेशो फाइंड आउट करनी है देखो ए पॉइंट हैगा 40 बी हैगा 60 आ डिस्टेंस कि अपने को ए बी 2 सी डी देखो आ 3 है आ सारा कि अपने को 8 तो डिस्टेंस कि रह गई अपने को सी डी कि आ गई अपने को 5 रेशो कर लो ए बी बाय सी डी मीनस 2/5 2:5 ठीक है जी देखो कि ऑप्शन हो गया अपने कोल फोर्थ इफ द पॉइंट्स ऑफ लाइन सैगमेंट अपन गिवन ने एक रेखाखंड के दो बिंदु दते हुए ने पी इज़ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एक्स तौर पर कोई बिंदु पी है बेटा विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी जिहड़ा ए ते बी तो बराबर दूरी पर आ ते वट आर द कोआर्डीनेट्स ऑफ पी मतलब पी की वैल्यू अपने पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सब तो पहला देखो पी एक्स दूरे पर आ तो पी पॉइंट की होगा ये एक्स की वैल्यू होएगी वाई की होगा जीरो अपन ए पॉइंट की बना बी पॉइंट की बना अपन इक्वल डिस्टेंस मीनस बराबर दूरी मीनस ए पी तो पी बी दोनों की ने इक्वल आप पी तो पी बी नू बराबर रख के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करांगे ठीक है हुण सब तो पहला आप ए पी फाइंड आउट करते हैं ये हैगा अपने कोल 4 पी पॉइंट्स बेटा अपने कोल एक्स 0 सेम इदी एक्स 1 y1 एक्स 2 y2 चलो ए पी फाइंड आउट करो डिस्टेंस फॉर्म लगा के एक्स 2 माइनस एक्स 1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर हुण इत्थे ए माइनस बी दे स्क्वेयर का फॉर्म लगा लो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 4 का स्केयर कि बन जाए बेटा 16 ये डिस्टेंस आ जाएगी एक्स का स्केयर 4 का स्केयर 16 16 प्लस 16 कि बन जाएगा अपने को 32 ठीक है 4 × 2 = 8x मैंने सीधे ऐड कर दे 4 का स्केयर 16 16 प्लस 16 कि बन गया 32 मीनस ए पी डिस्टेंस थोड़े को आ गई एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 32 का स्केयर रूट ठीक है ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੀ ਪੀ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1
ते माइनस वन पी पॉइंट सीगा अपने कोल एक्स जीरो हुण तुसी बी पी डिस्टेंस कटो सेम उदे एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्यर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्यर इतने फॉर्म लगा लो ए माइनस बी का स्क्यर का ए स्क्यर प्लस बी स्क्यर माइनस टू ए बी माइनस माइनस प्लस वन का स्क्यर वन ए बन गया एक्स स्क्यर यदि वन का स्क्यर वन वन प्लस वन टू ए बन गए माइनस दे टू एक्स ठीक है मीनस बी पी थोड़े को आ गई एक्स स्क्यर माइनस टू एक्स प्लस टू का स्क्यर रूट ठीक है जी हम दोनों इको रख लो अपन गिवन सीगा ए पी इज इक्वल टू बी पी ठीक है ए पी सीगा अपने को एक्स स्क्यर माइनस एट एक्स प्लस थर्टी टू जिहड़ा बी पी सीगा ए सीगा अपने को बेटा एक्स स्क्यर माइनस टू एक्स प्लस हुण की करांगे आपां स्केयरिंग वर्ग करके तो रूट खत्म हो जूगा अपने कोल आ जूगा एक्स स्केयर माइनस एट एक्स प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस टू आ कैंसल आउट माइनस दे एट एक्स माइनस टू एक्स राइट साइड जाके प्लस दे टू एक्स ए टू थर्टी टू राइट साइड जाके माइनस थर्टी टू एट च टू गए बेटा माइनस दे सिक्स थर्टी टू चो टू गए माइनस दे थर्टी ये कैंसल आउट तो थोड़े को एक्स की वैल्यू कि आजगी थर्टी बाय सिक्स कि बन गया अपने को फाइव मीनस जोड़ा पी पॉइंट से थोड़े को अपने को एक्स जीरो एक्स कि फाइव वाई कि जीरो तो पी पॉइंट कि आ गया फाइव जीरो देखिए ऑप्शन आऊगी थर्ड नैक्सट है बेटा अपने को तीन पॉइंट्स गिवन ने समदभुज त्रिभुज के शिखर ने ते वाई का मुल कढ़ना है समदभुज इक्विलेटरल एंगल मीन सारे साइड्स की ने दे इक्वल ठीक है मीनस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए तुसी कोई मर्जी दो लैके नू सॉल्व कर लो सी तो तुहानू लेनी पवेगी एक बार मिनट मैं सी ले लैनी हाँ मैं ए बी ले लैनी हाँ ठीक है तो एक मैं ए सी ले लैनी क्योंकि ए बी ते ए सी भी बराबर ने चलो पहले मैं ए बी कट दी हाँ सेम उदी एक्स वन एक्स टू वाई टू ए बन जूगा जीरो माइनस जीरो का स्क्यर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्यर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्यर इतने बेटा जीरो ही आजूगा माइनस टेन प्लस टू क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस टेन प्लस टू माइनस एट का स्क्यर ठीक है एट का स्क्यर सिक्सटी फोर ए कि रूट कि बेटा एट मीनस ए बी थोड़े को आ गई एट ठीक है ना नोट कर लो हूँ आप कटते हैं बी सी कढ़ लो चाहे ए सी कढ़ लो एको गल थोड़ी मर्जी है चलो मैं ए सी फाइंड आउट करनी है एक्स वन सेम इदी एक्स टू मैं ए सी फाइंड आउट कर रही हाँ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्यर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्यर फोर रूट थ्री नू फोर रूट थ्री ना करोगे फोर इंटू फोर सिक्सटीन रूट थ्री ना किता थ्री सिक्सटीन इंटू थ्री फोर्टी एट ये थोड़ा फार्मूला खुलूगा आ माइनस माइनस की हो जूगा प्लस प्लस का फार्मूला लगाओ हूँ ए स्क्यर प्लस बी स्क्यर प्लस टू ए बी ए बन जू बेटा फोर्टी एट फोर्टी एट आ सी टू का स्क्यर फोर फोर एच ऐड कर दो कि आ जूगा फिफ्टी टू प्लस वाई का स्क्यर प्लस टू इंटू टू फोर वाई ठीक है ए बन जू थोड़े को वाई स्क्यर प्लस फोर वाई प्लस फिफ्टी टू का स्क्यर रूट ठीक है हम दोनों इको रख लो जी ए सी है वह कि बराबर आजगी ए बी दे ए सी कटी से बेटा अपने वाई स्क्यर प्लस फोर वाई प्लस फिफ्टी टू ठीक है वह कटी से बेटा अपने एट ए बी ठीक है हम ये स्केयरिंग कर दो वर्ग करके रूट ये खत्म हो जूगा वाई स्क्यर प्लस फोर वाई
प्लस 52 8 का स्केयर बेटा 64 ये बन जूगा वाई स्केयर प्लस 4y प्लस 52 माइनस 64 इज इक्वल टू 0 वाई स्केयर प्लस 4y 64 दे 52 माइनस कर दो कि जो अपने को 12 माइनस से ठीक है फैक्टर बनाओ कि दे बेटा वाई स्केयर प्लस 4y माइनस 12 दे ये बन जाएंगे वाई स्केयर 12 माइनस 12 किमें लिख सकते आप 6y माइनस 2y 6 माइनस 2y 4y 6 इंटू माइनस 2 किन्ने बन जाएंगे माइनस 12 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट 2 चो कॉमन काट लो वाई वाई प्लस 6 ये बेटा की कॉमन इक्वल जूगा 2 विच की रह गया वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये आजू अपने को वाई प्लस 6 एक और आजूगा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन नोट कर लो अपने को आ गया सीगा वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एक बार बेटा एक बार वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 वाई की वैल्यू कितनी आ जूगी माइनस 6 एक वाई की वैल्यू कितनी आ जू अपने को 2 हम देखो 2 तो ऑप्शन छे यानी माइनस 6 हैगी है मीन्स फोर्थ ऑप्शन नैक्सट बेटा देखो ए बी सी डी पॉइंट्स गिवन है चतुर्भुज दे दसना किहो जिही चतुर्भुज आ अपन बेटा जो 6 डिस्टेंस करनी पैनगिया जिमें ए बी सी डी ए बी कढ़ांगे बी सी कढ़ांगे सी डी कढ़ांगे ए डी कढ़ांगे तो डायगनल्स मीनस ए सी तो बी डी कढ़ांगे चलो सॉल्व कर दें सब तो पहला आप ए बी फाइंड आउट करते हैं ठीक है सेम वही डिस्टेंस फॉर्म लगाओ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर फोर माइनस टू 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 का स्क्वायर फोर टू माइनस फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन फोर प्लस नाइन किन्ने बन गए 13 इदी हुण तुसीं बी सी कढ़ो बी ते सी पॉइंट लेके ए बन जूगा अपने कोल एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर नाइन माइनस फोर का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन मीनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 5 का स्क्वायर 25 3 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 मीनस कितना आ गया रूट 26 ठीक है इनू नोट कर लो थोड़ी जी ए बी थोड़ी आ गई रूट 13 जी बी सी थोड़ी आ गई रूट 26 ठीक है हुण आपां कढ़ांगे बेटा सी डी ਉਹਦੀ ਐਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਨ ਦਾ ਸਕਿਅਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਵਨ ਦਾ ਸਕਿਅਰ 7 ਮਾਈਨਸ 9 ਮਾਈਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਸਕਿਅਰ 4 3 6 ਮਾਈਨਸ 3 3 3 ਦਾ ਸਕਿਅਰ 9 ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ 13 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏ ਡੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਏ ਡੀ ਜਾਂ ਡੀ ਏ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 7 ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਸਕਿਅਰ ਪਲੱਸ 6 ਮਾਈਨਸ 5 ਦਾ ਸਕਿਅਰ 7 ਮਾਈਨਸ 2 5 5 ਦਾ ਸਕਿਅਰ 25 6 ਮਾਈਨਸ 5 1 1 ਦਾ ਸਕਿਅਰ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟ 26 ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਰੂਟ 13 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਡੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਰੂਟ 26 ਮੀਨਸ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਬੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਡੀ ਸੇਮ ਆਈ ਆ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਸੇਮ ਆਈ ਆ मीनस ए आयत भी हो सकती है समांतर चतुर्भुज भी हो सकती है हुण किवें डिफेंशिएट करांगे डायगनल्स तो ठीक है हुण आपां कढ़ांगे बेटा दे डायगनल्स मीनस ए सी ते बी डी विकरण हुण ए सी फाइंड आउट करो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 7 का स्क्वायर 49 2 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया अपने को 53 ठीक है हुण इहदी बेटा तुसीं फाइंड आउट करो बी डी दिस वन बी डी इह जूगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस
6 माइनस 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 7 माइनस 4 3 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9 6 माइनस 2 4 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16 ਮੀਨਸ 25 25 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ 5 ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਿਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ A B C D A B C D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ A D ਆ ਉਹ B C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ A C ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B D ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆਇਤ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ ਫੋਰਥ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਗੀਵਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮਿਧ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਟੂ ਬਾਈ ਟੂ ਵਾਈ ਵਨ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਟੂ ਬਾਈ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਵਨ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਟੂ ਮਿਧ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਓ ਐਕਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਟੂ ਬਾਈ ਟੂ ਵਾਈ ਵਨ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਟੂ ਬਾਈ ਟੂ ਥ੍ਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥ੍ਰੀ ਪਲੱਸ ਵਨ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਬਾਈ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 5 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 9 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 14 ਬਾਈ 2 ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 7 ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਗਿਵਨ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਈਡ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲੀ ਬਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੈ ਚਲੋ ਫਾਇੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਏਰੀਆ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਬੀ ਕੱਢ ਲਓ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਐਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮੈਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਵਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਟੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾਈ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਵਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਈਨਸ ਫੋਰ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਸਿਕਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ 36 36 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ 6 ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਬੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੋ ਹੁਣ ਬੀ ਸੀ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਵਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਟੂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 9 ਮਾਈਨਸ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 9 ਮਾਈਨਸ 4 5 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 25 2 ਪਲੱਸ 4 ਪਲੱਸ 2 6 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 36 ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 61 ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 61 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਏ ਸੀ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਵਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਟੂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਏ ਸੀ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 9 ਮਾਈਨਸ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 9 ਮਾਈਨਸ 4 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 25 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਰੂਟ 25 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਸੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਬਣ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏ ਬੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬੇਟਾ 6 ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਸੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 61 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਸੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਏ ਬੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਏ ਸੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਬੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 36 ਏ ਸੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 25 ਬੀ ਸੀ ਰੂਟ 61 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 61 ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 61 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 61 ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਬਣ ਗਈ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ ਆਹ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਲਓ ਆ 90 ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਰੀਆ
की कढ़ांगे 1/2 बेस, तुसी इन भी मन सकते हो, इन भी मन सकते हो, ठीक है। ए बन जूगा ए सी इंटू ए बी 1/2। ए सी अपने बेटा कितना फाइंड आउट किया 5, ए बी कितना सीगा अपने को 6, 3 × 5 15 मीनस 15 आ जाएगा यदा एरिया, ठीक है। जो थोड़े सिलेबस है बेटा मैं वो अकॉर्डिंग ही थानू कराया है, ठीक है जी। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। थैंक्स बेटा जी।